रोहित शर्मा के एक फैसले ने भारत को वर्ल्ड कप हराया, फिर इन तीन ने भारत को चैंपियन बनाया। हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना, रोहित शर्मा जो भारतीय टीम के सबसे सफल कप्तान है, रोहित शर्मा जिन्होंने भारतीय टीम को चैंपियन बनाया है, वो रोहित शर्मा जिन्होंने ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 के फाइनल में भारत को पहुंचाया था, वो रोहित शर्मा जिन्होंने WTC के फाइनल में भारत को खिलाया था, वो रोहित शर्मा जो भारतीय टीम को एशिया कप का चैंपियन बना चुके हैं, वो रोहित शर्मा जो मुंबई इंडियंस को 5-5 IPL ट्रॉफी जिता चुके हैं, उन्होंने T20 वर्ल्ड कप 2024 में एक भारी भूल कर दी थी, भारी चूक कर दी थी, और ऐसी भूल थी, ऐसी चूक थी कि उसका मलाल उनको हर वक्त हो जाता, हर वक्त रहता अगर भारतीय टीम में मुकाबला हार जाता, क्योंकि 30 गेंदों पर मात्र 30 रनों की दरकार था, और वो 15वां ओवर वहां पर बड़ी चूक होती है, बड़ी भूल होती है, उसका खामियाजा भारतीय टीम को भुगतना पड़ता है। लेकिन उसके बाद तीन खिलाड़ियों ने भारतीय टीम को हारा हुआ मुकाबला जिताया है। तो अपने इस रिपोर्ट में हम बताएंगे कि रोहित शर्मा की कौन सी भूल थी और कैसे भारतीय टीम हारा हुआ मुकाबला जीता है, वो कौन से तीन नायक रहे जिन्होंने भारतीय टीम को वर्ल्ड चैंपियन बनाया है। इस मुकाबले में जरूर विराट कोहली की पारी की अहमियत है, इस मुकाबले में जरूर विराट कोहली मैन ऑफ द मैच हैं, लेकिन जब 15वें ओवर की समाप्ति हुई, साउथ अफ्रीकन टीम का स्कोर कार्ड देखा गया, तो ऐसा प्रतीत हो रहा था, ऐसा महसूस हो रहा था, या यूं कहें कि हर एक भारतीय क्रिकेट प्रशंसक ये मान चुका था कि ये 2023 वाला वर्ल्ड कप फिर से साबित हुआ, फिर से भारत फाइनल पहुंची और फिर से हाथों में निराशा लगी, क्योंकि जो पिच थी, जिस तरीके से बर्ताव कर रही थी, फ्लैट डेक था, क्लासन जिस हिसाब से बल्लेबाजी कर रहे थे, मिलर जिस रंगत में दिख रहे थे, वैसे यही प्रतीत हो रहा था, यही महसूस हो रहा था कि वर्ल्ड कप तो गया। लेकिन चूक 14वें ओवर की बात करें तो वहां पर कुलदीप यादव को एक छक्का लगता है, एक चौका लगता है, मिलर अपनी अथॉरिटी दिखाते हैं कुलदीप यादव के ऊपर, वहां पर जब ओवर समाप्त होता है तो वेल बैलेंस्ड मुकाबला था, तब पर भी ये उम्मीद थी कि भारतीय टीम वापसी कर सकता है, लेकिन 15वें ओवर में अक्षर पटेल को वो ओवर दे देते हैं, वहां पर क्लासेन जमकर बरसते हैं, क्लासेन का माइंडसेट सिर्फ और सिर्फ यही रहता है ये आखिरी ओवर स्पिन का होने वाला है, इसके बाद 2 ओवर बुमराह के होने वाले हैं, उनको हम काफी पेशेंसली खेलेंगे, लेकिन इनको अटैक करेंगे, जमकर बरसेंगे, और वहां पर अक्षर पटेल के खिलाफ 24 रन छूटे गए। हार्दिक पांड्या का विकल्प मौजूद था, लेकिन फिर भी अक्षर पटेल को चुनना, ये रोहित की भूल थी, रोहित की चूक थी, ये रोहित जरूर एडमिट करेंगे, ये रोहित उस वक्त जरूर सोच रहे होंगे कि अक्षर को क्यों, शायद वो ओवर 10 या 12 रन का भी हार्दिक पांड्या निकाल देते तो भी मुकाबले में भारत आगे रहता, लेकिन अक्षर के ऊपर जमकर बरसे क्लासेन, और आपको भी पता है कि क्लासेन स्पिनरों को बहुत बेहतर खेलते हैं, या यूं कहें कि विश्व क्रिकेट में इस वक्त सबसे बेहतरीन खिलाड़ी स्पिन के खिलाफ कोई है तो वो सिर्फ और सिर्फ हेनरिक क्लासेन। वहां पर भारतीय टीम, भारतीय कप्तान के पास ऑप्शन था कि वो हार्दिक पांड्या को लगा सकते थे, क्योंकि अगर पूरे स्पेल पर नजर डालेंगे तो हार्दिक पांड्या 1 ओवर कम किए हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ 3 ओवर फेंके हुए हैं। कुलदीप यादव इस पिच पर काफी कॉस्टली साबित हुए, बिना विकेट लिए गए, पिच पर बिल्कुल भी हरकत नहीं था, रविंद्र जडेजा सिर्फ 1 ओवर कर पाए, वहीं पर अक्षर पटेल का 1 ओवर काटा जा सकता था, वो 15वां ओवर हार्दिक पांड्या से कराया जा सकता था, जहां पर 24 रन निकले, शायद वहां पर 10 रन भी कम निकले होते तो भारतीय टीम मुकाबले में आगे रहता, मगर वो चूक हुई तो खामियाजा भी भुगतना पड़ा, भारतीय टीम लगभग वो मुकाबला हार गई उसी क्षण, 30 रन 30 गेंदे, और हर कोई साउथ अफ्रीका को बैक कर रहा था, लेकिन वहां से सिलसिला बदला, वहां से सूरत बदला, क्योंकि भारतीय टीम का जो ब्रह्मास्त्र था वो आना बाकी था, सिर्फ और सिर्फ आशाओं में रोहित शर्मा ने जसप्रीत बुमराह की ओर गेंद उछाला कि आओ अब जो बचा है वो थोड़ा सा मैजिक अगर आपको करना है तो करके दिखाओ। बुमराह आते हैं 16वें ओवर में, मात्र 4 रन खर्च करते हैं, फिर 17वें ओवर में हार्दिक पांड्या आते हैं, 4 रन खर्च करके एक बड़ी सफलता दिलाते हैं, किसका, हेनरिक क्लासेन का। 18वें ओवर में फिर बुमराह आते हैं, 2 रन मात्र खर्च करते हैं, 1 विकेट मार्को यांसन का। सबसे बड़ी खासियत जसप्रीत बुमराह की ये दिखती है कि वो डिफेंस को ब्रीच करते हैं, वो डिफेंसिव बैट्समैन को बोल्ड करते हैं, T20 फॉर्मेट में बोल्ड करते हैं, ये काबिलियत खास जसप्रीत बुमराह की। वहीं 19वां ओवर हरदीप सिंह फिर लेकर आते हैं, 4 रन खर्च करते हैं, और 20वां ओवर हार्दिक पांड्या एक बार फिर लाते हैं, 8 रन खर्च करते हैं, 2 विकेट निकालते हैं, इस तरीके से भारतीय टीम को चैंपियन बनाते हैं। ये 3 शेर थे, अगर इनके हम स्पेल की नजर की बात करें तो 3 ओवर में 20 रन देकर 3 विकेट हार्दिक पांड्या,
जो क्रूशियल ओवर इन्होंने फेंका 17वां ओवर, वो भारतीय टीम को मुकाबले में लाया, क्योंकि हार्दिक ने जरूर 4 रन दिए थे, फिर भी क्लासेन क्रीज पर मौजूद थे। क्लासेन का विकेट चाहिए था भारतीय टीम को वो ऊर्जा भरने के लिए, आत्मविश्वास खिलाड़ियों में लाने के लिए और साउथ अफ्रीका को बैकफुट पर ढकेलने के लिए, वो हार्दिक पांड्या ने ला कर दिया। वो ओवर बहुत क्रूशियल रहा, उसमें 4 रन सिर्फ इन्होंने खर्चे और क्लासेन का विकेट निकाला। फिर जसप्रीत बुमराह आते हैं 18वां ओवर फेंकने, वहां पर पूरा माइंडसेट क्लियर था साउथ अफ्रीकन बल्लेबाजों का कि हम यहां पर बुमराह को सी ऑफ करेंगे, हम बुमराह को आराम से खेलेंगे, विकेट नहीं फेंकेंगे। लेकिन वहां पर बुमराह जो विकेट निकालते हैं वो उनके ब्रिलियंस को दिखाता है। 18 रन देकर 2 विकेट 4 ओवरों में। फिर हर्षदीप सिंह का वो 19वां ओवर जहां वो 4 रन खर्च करते हैं, एक भी बाउंड्री नहीं लगाने देते हैं और प्रेशर को बनाए रखते हैं, तो इन तीन ने चैंपियन बनाया। 15वें ओवर में चूक हो चुकी थी क्योंकि हार्दिक पांड्या से ओवर कराया जा सकता था, भारतीय स्पिनरों की गेंद स्पिन नहीं कर रही थी, स्पिन को खेलना काफी आसान था। ये रोहित शर्मा वहां पर चूक कर बैठे, उस वक्त तक हार्दिक पर उनको भरोसा नहीं हो पाया था, लेकिन जब अक्षर फूटे जाते हैं, अक्षर पीटे जाते हैं, तो हार्दिक पर भरोसा जताना पड़ता है। मिलते हैं आप अगले रिपोर्ट में, तब तक आप अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और क्रिकेट से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।